मिली बड़ी सफलता, बालू लदे प्रतिबंधित 14 चक्का के कई वाहन जब्त। भागलपुर में देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान खनन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खनन विभाग की टीम ने जिला के अंधेरी नदी के समीप अवैध बालू लदे कई वाहनों को जब्त किया है। वहीं बरामद वाहनों में प्रतिबंधित 14 चक्का के भी कई वाहन होने की बातें की जा रही है। यही नहीं, खनन विभाग के प्रारंभिक जाँच में कई अन्य घपलों का भी खुलासा हुआ है। खनन विभाग के सूत्रों की माने तो उक्त वाहन बांका से एक निजी कंपनी के सहयोग से बालू लेकर आ रहा था। इस दौरान कार्रवाई से बचने के लिए ओवरलोड वाहनों को अंडरलोड कागज बनाया गया। बिचौलियों और तस्करों की हिमाकत नहीं यही नहीं रुकी, इन लोगों ने वाहनों का चक्का खोलकर खनन विभाग और पुलिस के आंखों में भी धूल झोंकने का काफी प्रयास किया, लेकिन इसका कोई हथकंडा काम नहीं आया और आखिरकार यह खनन विभाग के हाथे चढ़ गया। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव ने बताया है कि यह कार्रवाई रूटीन जांच का हिस्सा है, लेकिन इतने बड़े पैमानों पर ट्रक का एक साथ बरामद होना और जानबूझकर संबंधित धर्मकांडा द्वारा ओवरलोड को अंडरलोड बताना हर किसी को अचंभित कर रहा है। भागलपुर से अभिषेक आनंद के साथ जेटे न्यूज।